एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एनालॉगीज। मेरा जो मेन चैनल है अमीन एजुकेशन, उससे मैंने बाकायदा प्लेलिस्ट बनाई दी होती है। देखिए, अगर रेड का रोडेंट दिया तो रेड क्या है? एक हमें सबको पता है चूहे को कहते हैं, और रेडन क्या है? इसकी क्लास। मैन किस में आता है? मैमल। ब्लू वेल किस में आती है? मैमल। ऑस्ट्रिच बर्ड, कीवी बर्ड, पेंगुइन बर्ड। यानी असल में सवाल होते हैं, फर्ज करें वो दे देते हैं एवियरी और बर्ड जी, बर्ड की नेशन हम एवियरी एवियरी कहते हैं, और फिश का दे देते हैं एक्वेरियम, फिश की एक्वेरियम कहलाती है। तो अगर बर्ड का एवियरी दिया है तो हम फिश का क्या लिखेंगे? एक्वेरियम। लेकिन अगर बर्ड का एयर दिया है तो फिश का वाटर हो जाएगा। इसी तरह बर्ड की स्टडी ऑर्निथोलॉजी कहलाती है, अगर बर्ड का ऑर्निथोलॉजी दिया है तो हम फिश का इथियोलॉजी। तो इसमें हमें क्लास पता होनी चाहिए। सबसे पहली क्लास या सबसे पहले टाइप होती है क्लास, इंडिविजुअल एंड क्लास, जैसे कि रेड का रोडेंट। अच्छा, फिर इसके बाद एक और क्लास होती है क्वांटिटीज एंड देयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि टेम्परेचर का थर्मामीटर, प्रेशर का क्या होता है? बैरोमीटर। तो जो एक जो नॉर्मली लोग नहीं पता होता, हाइग्रोमीटर। ये किसका होता है? ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर किसका होता है? ह्यूमिडिटी। और बच्चों स्पाइक्मोमैनोमीटर ये होता है ब्लड प्रेशर। किसका होता है? ब्लड प्रेशर। स्पेलिंग पढ़ रहा हूँ, SPHYGMOMANOMETER, स्पाइक्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मीटर। यानी ये क्या टाइप हो गई? क्वांटिटी एंड देयर इंस्ट्रूमेंट। बच्चों एक और टाइप भी होती है, क्वांटिटी एंड यूनिट। अब फर्ज करो टेम्परेचर का थर्मामीटर के बजाय केल्विन होता तो प्रेशर का बैरोमीटर हम नहीं लेते, एटमॉस्फेयर लेते। यहाँ ये कैद नहीं है कि एमपीएस सिस्टम वगैरह, क्योंकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश पढ़ रहे, कोई भी क्वांटिटी हो सकती। यानी तीसरी कैटेगरी हो जाएगी क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट। चौथी कैटेगरी होती है इंडिविजुअल एंड ग्रुप, जैसे कि मैन का क्राउड हो जाएगा, सोल्जर का क्या हो जाएगा? आर्मी। एक अकेला सिंगर होता है, एक कोरस होता है। ऐसे बच्चों कैटल होते हैं एक टाइप के मवेशी, हर्ड होते हैं बहुत सारे टाइप के मवेशी। बीस का क्या हो जाएगा? सेवन। बीस का क्या हो जाएगा? सेवन। स्वाम का मतलब क्या हो जाएगा? बी एक मक्खी, सेवन बहुत सारी मक्खी। अब देखो बच्चों, बी की नेशन उमर की जगह एवियरी क्या आती है? अगर बी का एवियरी दिया हुआ है तो फिश का एक्वेरियम या बर्ड का एवियरी इस तरह का आंसर। लेकिन अगर 20 का सेवन दिया है तो कैटल का हर्ड या नोमैड का हर्ड। नोमैड किसको कहते हैं? बंजारा, और हर्ड हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे। फिश का शॉल, एक अकेले फिश शॉल है। देखो 20 का सेवन है तो फिश का हम शॉल लेते हैं, अगर 20 का एवियरी होता तो फिश का एक्वेरियम। वहाँ दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, फिश का शॉल या फिश का एक्वेरियम। हम देखेंगे 20 का एवियरी है तो फिश का एक्वेरियम। ये क्या है? डिवेलिंग प्लेस। अगली कैटेगरी हमारी कहलाती है डिवेलिंग प्लेस, जिनको हम कहते हैं नशो नुमा की जगह, यानी जहाँ पे परवरिश होती है। इनमें पहला है कैनाल। कैनाल किसका होता है भाई? डॉक्टर। डॉक्टर क्या होता है? कैनाल। एवियरी किसका होता है? बीस का होता है। एवियरी बर्ड्स का एक्वेरियम किसका हो गया बच्चों? फिश। डैन होता है नाइन का, और जो लास्ट दिया है शेड, शेड किसका हो जाता है? ये हो जाता है बच्चों कैटल्स का। जितने टाइप के भी कैटल्स हैं वो आ जाते हैं शेड। ठीक है बच्चों, दिस इज पार्ट वन। थोड़ी देर में मैं आपको पार्ट टू बताता हूँ।